हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है, 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 492 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पर नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 400 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 92 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 172 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 87 शेयर्स का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है तो 87 शेयर्स के लॉट शेयर के अंदर यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 170 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि इसके अलावा जो दूसरा इशू यहाँ पे आरके डेवलपर्स करके तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो वेस्टर्न करियर्स में यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लॉजिस्टिक कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, लॉजिस्टिक से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें मेनली अगर हम देखेंगे तो रेलवे से रिगार्डिंग यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 3 साल में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे इतना अच्छा कंपनी का नजर नहीं आता है, लेकिन भले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने एक बार के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखाई है। लेकिन देखिए, जब मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ईजिली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो आपका रेवेन्यू होता है उसका आप बियॉन्ड पॉइंट वहाँ पे ईजिली आप मैनेज नहीं कर सकते। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे, हार्डली अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे 3% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 12-13% यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत नंबर्स यहाँ पे इन्फ्लेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से किए गए, क्योंकि 3% के रेवेन्यू ग्रोथ पे लगभग 12-13% का प्रॉफिट ग्रोथ करना मुझे लगता है कि जहाँ पे क्योंकि जहाँ पर अगर आप देखोगे आपके जो नॉर्मली जो बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वही हर साल से 4-5% से बढ़ जाते हैं, तो वहाँ ऐसे सीनरियों में कॉस्ट एफिशिएंसी लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो भले ही आपको अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 1750 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21-22 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी जिस तरीके का लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में चल रहा है और अगर हम देखेंगे तो इसका इश्यू साइज भी काफ़ी छोटा है, तो एक बार के लिए यहाँ पर आराम ये 15-20 टाइम हमें यहाँ पे आईपीओ रिटेल कोटा में और जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी उसके नाम यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको कॉशियस रहना ही सही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग इनके पॉइंट से अप्लाई करना है, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट लगाइए, अगर आपको अलॉटमेंट में प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो भी मेरे ख्याल से वहाँ पे निकलना सही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हार्डली 3-4% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है वहाँ पे मार्केट डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं होता है, खास करके जब वहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद में मार्केट डेफिनेटली इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड वहाँ पे उन कंपनी को लेकर नहीं होता है, तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न कैरियर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।